नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नेवरा पुलिस ने अवैध शराब बेचते दो अलग अलग युवकों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर नेवरा पुलिस ने अभियान चलाकर ग्राम अल्ता के ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अवैध शराब बेचते दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्राथमिक शाला मानपुर के पास आरोपी वीरेंद्र कुमार उर्फ सोनू ध्रुव उम्र 27 वर्ष मानपुर निवासी से 36 पौवा देसी मदिरा मसाला शराब जब्त किया। साथ ही बिक्री रकम 300 रुपये नकद भी पुलिस ने आरोपी से जब्त किया। इसी तरह ग्राम अल्ता के भाठा में अवैध रूप से शराब बेच रहे विवेक वर्मा 25 वर्ष ग्राम अल्ता निवासी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 35 पौवा देसी मदिरा मसाला शराब जब्त की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। कल ग्राम अल्ता से ग्रामवासी आए थे और ग्राम अल्ता के विवेक वर्मा अभिषेक वर्मा तथा मानपुर निवासी सोनू के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी कि पोला त्यौहार के दिन ये तीनों व्यक्ति शराब पीकर गांव की महिलाओं के साथ मारपीट किए थे। मामले में अपराध पंजीबद्ध करके बेचना में लिया गया था। साथ ही गांव वाले द्वारा ये भी सूचना दी गई थी कि तीनों व्यक्ति जो हैं अवैध रूप से शराब की बिक्री भी करते हैं। सूचना पर आज सुबह तिल्दा पुलिस जाकर तीनों की तलाश कर रहे थे। तीनों में से विवेक वर्मा और वीरेंद्र कुमार ध्रुव उर्फ सोनू दोनों की पकड़ा गया तथा दोनों के पास से देशी मदिरा प्राप्त हुई है। देसी मदिरा के जो प्राप्त हुए उसमें दोनों के विरुद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करके दोनों को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल पर भेजा गया है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।